टाइम में ही आपने SYL का मुद्दा क्यों उठाया? मैं छोटी सी बात सुनाना चाहता हूँ, बैठे बैठे मेरी कहानी आ गई। दो भाई थे, सगे भाई थे। पिता ने बंटवारा कर दिया, भाई 60 पीसे की जदाद तो जाएगी बड़े भाई पे, 40 पीसे की जाएगी जदाद छोटे भाई पे। बड़े ने फैसला कर दिया, हो गया भाई घर का बंटवारा। भाई बड़े बुजुर्ग कर गए, भाई बड़े ने कमा ज्यादा रखे थे, तू पढ़ाई लिखाई में था, तेरे को मैं 40। वैसे तो बराबर बराबर करे, हमारा धर्म है छोटा हो बड़ा हो, हम पांच भाई हैं, मेरे पिता ने पांचों को बराबर करा। तो छोटे आड़े को चलो 40 ही कर दिया, 40 में छोटे ने समाई मान ली, 40 में उसके हिस्से में जो पैसा आया, इब वो बड़ा भाई उस हिस्से के पैसे देने की बजाय, निर्मल बहन जी, वो पैसे देने की बजाय बड़ा भाई किसी लुगाई के चक्कर में पड़ गया। अब इस बात का मीडिया और बाकी क्या अर्थ लेंगे मुझे नहीं पता, किसी लुगाई के चक्कर में पड़ गया। अब उस लुगाई के ऊपर पैसा उड़ा दे, लेकिन छोटे भाई को 40 पैसे के जो रुपये देने थे वो कोनी देते थे। अब इसको अगर पानी के ऊपर ले लो, रंजीव लोंगोवाल ऐतिहासिक फैसला हुआ, 19 लाख एकड़ फुट पानी, इसमें फुट फाट के चक्कर में छोड़ो, 19 लाख किलियां की सिंचाई का पानी पंजाब ने हमारा देना कराया। तो बड़ा भाई है हमारा, इब कह रहे बड़ा भाई है, हम कौन सा नाट रहे बड़ा भाई, हम भी पूरी सेवा ठा रहे, हमारे हरियाणा में आ रहे तो पूरी सेवा ठा रहे कि नहीं ठा रहे, हमारा बड़ा भाई है ना, भाईचारे की दुहाई दे रहे ना वो, तो हम कब नाट रहे भाई, तू बड़ा भाई है, हमारे हिस्से का जो 40 पीसे का कम का था, तेरा ज्यादा था हमारा कम था, तने 19.5 लाख फुट हमारे को जो पानी देना था तू हमारे ना दे के, और लुगाई, लुगाई कौन है, यू पाकिस्तान, उस पे उड़ान लाग रहा है जो दुश्मन है हमारा, उस पे तो उड़ा रहे पानी, तेरे भी काम आंदा हो सारा पानी तो हम मांग सके, तेरे से तो पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है और तू हमारी नहर में पाट रहे है। और कमे ईब के मौका था ठाण का, ईबी तो मौका था, ईबी तो तुम भाईचारे की दुहाई दे रहे, ईबी तो तुम हमारे हरियाणा में आ रहे, ईबी तो तुम हमारी सेवा ठुआ रहे, तो भाई तने तो यो ही कह रहे थारी सेवा पूरी ठावेंगे, जितने दिन भी तुम आड़े रहोगे हरियाणा में पूरी सेवा ठावेंगे थारी, लेकिन भाई जाए पाछे जो हमारी नहर पाट रखी है जिसमें तुम पानी आन नहीं देंदे, भाई वो नहर ने तो खोल दियो, इतनी तो कान में कह सके, हम तो हमारी वाली सरकार तो तुमने लिख के दे रही, हम तो थारे से लिखत भी को नहीं मार रहे, झूठी सच्ची जुबान तो कर दियो, झूठे मुंह से तो कह दियो, वहां धरने पे बैठे तुम इतने बड़े बड़े धरने ला रहे भाई, वहां झूठे मुंह से तो कह दियो, यहां तुमने हमारी बड़ी सेवा करी छोटे भाई ने, हमारा मन बड़ा खुश हो गया भाई, जान नहीं थारी नहर में जो मिट्टी भर रखी हम थारी मिट्टी काट देंगे, भाई तुम काटो ना काटो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, एग्जीक्यूशन डाल दी। और सबसे बड़ी बात जो लोग ये कहते हैं ना कि हरियाणा की सरकार